हेलो, अरे फोन उठा के क्या बोलते हैं? हेलो, फोन उठाए क्या बोलते हैं? हेलो हाँ हेलो जी, नमस्ते। हेलो, नमस्ते, कौन? वो होते ना, बहन जी का उल्टा क्या होता है? बहन जी का भाई? ठीक भाई। हाँ भाई साहब, नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। से बोल ले, कौन है? वो एक के बाद क्या आता है? वन के बाद? एक के बाद दो आता है 2 मिनट चाहिए था आपसे एक्चुअली। बात कर। अरे लिसन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुनो सुनो भाई साहब, 1 मिनट यार, आप मान नहीं रहे हैं। भाई, क्या चाह रहा है? जा रहा, पहले बात कर ले। जरूरी नहीं सुनिए तो, मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, ज़रूरी बात करनी थी आपसे, क्या चाहिए तुझे, जल्दी बोल। अरे जल्दी भाई बोल भाई, भाई भाई। बड़ा ही है। नहीं, आप क्यों टाइम पास करे सुबह? वाले, आप मुझसे वो मत करिए भाई साहब, बदतमीजी। तो बदतमीजी। हाँ, वरना बदतमीजी तो तू कर रहा मुझसे। क्या अगर मैं अपने पे आ गया ना, तो फिर आपकी मैं, आपकी क्या खटिया खड़ी कर देगा? अरे वाह, संस्कारी हैं आप। आपने सिर्फ खटिए का सोचा, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो कहता। बुआ तू भी भाई, अब तू मुझे परेशान कर रहा है। अब बंद करेगा मुझे पता क्या चाहिए तुझे? वो शैतान आपके अंदर जमा है, पर आपने उसको रोका। इसी बात के लिए मैं आपको वो करता हूँ। क्या करता हूँ? हम करते ना 15 अगस्त 26 जनवरी पे सल्यूट करते हैं। सैल्यूट करता अबे के बाप, तू मुझे मिले एक बार, मेरे सामने आ, मैं हाँ के अंदर वो डाल दूंगा तुझे। पता है वो क्या वो होता नहीं है, क्या? अबे जिससे तंबू बनता है, अच्छा, बांस। बाल डाल दूंगा तेरे एक सेकेंड, वो कहते हैं ना कि व्यस्त हूँ आज बहुत मैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्यस्त को? मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी हूँ। तो मैं भी बिजी हूँ भाई साहब। वो बांस आप अपने लिए यूज करिएगा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आपको मिल नहीं अबे पाऊंगा। सुन, चल फोन रख, चल। 93.5 रेड एफएम, वो क्या बोलते हैं, बस है? हाँ, बजाते रहो। थैंक यू हेलो, भाई साहब। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। कहाँ प्लास्टिक, का प्लास्टिक भाई? कहीं का भी हो, प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही होता है, और उसका उपयोग प्लास्टिक का, अगर प्लास्टिक दिमाग का से न, तू 1 मिनट, या तो आप बोल लो या मैं, आप ही खत्म ही करो। बोल ले। तो बोल ही तो रहा था, आप बीच में ट से टोक रहे हैं और भ से, सॉरी। प्लास्टिक का ही डंडा डाल दूंगा तेरे। मैंने भौंक बोला ही नहीं, हो तो आपने गेस किया। प्लास्टिक की बात कर रहा था। प्लास्टिक जो है, उसका अगर दुरुपयोग किया तो आपकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, यही बता रहे। तो पूछो कैसे? भौंक अगर प्लास्टिक आपने फेंका तो उसको हो सकता है कभी मुर्गी खा जाए। अगर मुर्गी अच्छा, मुर्गी नहीं प्लास्टिक खा लेगी, और एक बात बताइए, कौन सी मुर्गी प्लास्टिक खाती है भाई? पूरी दुनिया में इतनी मुर्गियां हैं, सबके पीछे तू और मैं लग सकते हैं, पता नहीं कौन सी खाती है। खाती होगी, तूने देखा खाते हुए? तूने देखा नहीं खाते हुए? हाँ नहीं देखा मैंने, बता तो मानने में कुछ जा रहा है आपके पिताजी का? तेरे बाप का जा रहा है का मानने में कि भाई नहीं? मैं बाप नहीं बोल सकते, इसलिए पिताजी सुनो ना। अगर सपोज हाँ बोल। मुर्गी ने सपोज प्लास्टिक खाया, वही मुर्गी को आप खा लोगे, तो वही मुर्गी का प्लास्टिक आपके पेट में, आप खत्म हो गए, आपको जला दिया, दफना दिया, चाहे जो भी हो। फिर आपके जाने के बाद भी वो प्लास्टिक दफन नहीं होता, वो प्लास्टिक नहीं गलता, डिकम्पोज होने में उससे सालों लग जाते हैं। तो जब तक प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होगा, तब तक आपकी आत्मा भी प्लास्टिक के अराउंड भटकती रहेगी। तो क्यों प्लास्टिक बेकार में यहाँ वहाँ खत्म? ओके, रुक जा रुक हाँ जा, आप गलत बोल रहे हैं, मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? पता नहीं क्या प्लास्टिक इतना सुनिए, देखो, सॉरी, पता नहीं क्या बोल रहा है। सुनिए, इंसल्ट करने वाले के मुंह पे फोन पटकता हूँ मैं, पर क्या करूँ? तब ठीक है, तेरे मुंह में थूक दूंगा बलगम वाला। गलत बोले आप, गलत क्या गलत। बोल रहे हो? ऐसे ऐसे फोन करके अब तक आपको इतना प्रॉब्लम था तो आप रख देते फोन, आप खुद ही तब भी। के तू रख देना, फोन क्यों करा तूने? तू रख दे तूने मुर्गी की साला, प्लास्टिक नहीं खाते हुए हैं? तो तूने देखी खाते हुए? दोनों ने देखी कि, तो तूने मानने में देख, छोड़। अच्छा ये बता, पहले मुर्गी आया अंडा? तू जैसे आया होगा पहले। क्या चल रहा हूँ, रख दे दा। गलत बोल रहा है, बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते, हेलो, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था, और समय में हेलो अपने हेलो, बाल कलर करवाए ऐसे लग रहे हैं। और हाँ कहाँ के पूछ रहे हैं? हेलो, जी नमस्कार बताइए। जी, मैं बउआ, मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। आप तैयार हैं क्या? 2 मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे, एक स्पेशल चर्चा। हेलो,
हाँ सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस समाज को आईना दिखाने के आईना दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? एक सेकंड, टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, दो मिनट लगता है। ठीक है जी। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाई इन्हें। ठीक है, बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब, टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह? गुस्से में मुंह लाल होता है। नहीं, लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, फूला के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा, फिर आगे बताओ। हाँ, तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना, बैरागी जी इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए, मुंह फूला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी? भाई साहब सुन रहे हैं? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए, बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से, जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता है। भाई साहब मानते हैं? ठीक है, तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता है। तो मुंह गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया यानी? जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि फूल गया। पागल है क्या? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प। पागल गाने से लेके आए। गलत मत बोलिए बैरागी जी, इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन खमीरा? आप खमीरा रहो। दो डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी भी फूल जाएगी बस। अरे वाह। बस कट, बैरागी जी को गंदा मत बोल। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी फकीरा ग्राम से। बस की महिला सीट पर सात समंदर पार गाना ईयरफोन में सुनने वाली कुमारी फिरनी लूसिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फिरनी जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। बस में क्यों सफर करते? आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो जी, भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भैया। वीक ऑन वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का, समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो। अरे क्या चल रहा है? हैं क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, एक सवा मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा उठा। मेरे को शामिल नहीं। भाई साहब एक मिनट, भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है। करें करें, आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी नाचीज किसको कहते हैं? भैया आपने सुना है, अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं। जी जी, नाचीज को बउआ जी। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं, नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। नाचीज के एक सेकंड, जो जिम जाते हैं मतलब उसको नाचीज कहते हैं, क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले, हेल्थ कॉन्शियस। नाचोज मंगाएंगे वो भी बिना चीज के। पिज्जा मंगाएंगे बिना चीज के। पास्ता ना चीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज, सलाद मंगाएंगे ना चीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो ना चीज होता है, और जो जिम जाता है वही ना चीज होता है। हाँ समझे आप, ना चीज को, इस ना चीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? इनका नाम क्या बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत मेहरा है भाई साहब? क्या चल रहा है? गलत मत बोल। बैरागी जी चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर। वाओ। सिर्फ 100 रुपए में आईटी रिटर्न्स भर के। वाह। दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिमपारी कुंजी कहती है, गाइस रेड एफएम से रॉकिंग ऑसम। ये सफलता की कुंजी है शिमपारी नहीं, शिमपारी रेड एफएम से रॉकिंग नहीं, रेड एफएम बजाते रहो। बढ़िया है जी। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो जी, आवाज आ रही है हमारी? अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ जी, है। मैं बउआ, मेरे साथ नंदी किशोर। बैरागी जी स्वयं उपस्थित है, हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। और साथ में आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि, एक चर्चा में हम लोग शरीक होते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। अपना कर्तव्य निभाइए, हामी भरिए, हम आगे शुरू करें। भाई साहब चर्चा इस बारे में है कि एक गाना बड़ा हाल ही में फेमस है, ये गाने के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं भाई साहब? एक तो ये बहुत ही समझ तो है आपकी, मेरे को लगता है चर्चा भी। एक मिनट बैरागी जी, गाने में व्यथा है, करुणा है, दर्द है, प्रेम है, और इसका अपना पेशा छुपा हुआ। मतलब एक बार आप बजाइए गाना, एक सी सुनिए। तो इसका काम है सौंठ लगाने का, मतलब ये गोलगप्पे वगैरह। अच्छा, सौंठ सौंठ का काम है। अच्छा,
आप गलत ना बोले भाई साहब। एक सेकंड भाई साहब, भाई साहब सौंठ यानी वो पानी पूरी का काम है। और आंटी से परमिशन ले रहा है कि मैं आऊं क्या? हाँ, तो ये इज्जतदार आदमी, इज्जतदार आदमी है कि मैं सौंठ लगा जाऊं? एक सेकंड भाई साहब, और इस पे आंटी का जवाब क्या होगा? आंटी इस पे वही जवाब देगी आंटी। भाई साहब का नाम क्या बैठा की जी? चिमचिम सैनी हमारे साथ। आप चिमचिम सैनी हैं? नहीं बस गलत बोल रहे हैं भाई साहब। बैठा की जी चिट्ठी कहाँ की है? इस बार की चिट्ठी लोफाम्पा नगर के छतरू जिले में झड़ते बालों से तंग आकर मांग में सिंदूर की जगह आंवला पाउडर लगाने वाली लूफी फोमिया कहती हूँ गाइस एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता लेकिन बैठा लूफी रेड एफएम बजाते रहो, बहुत शानदार। हेलो नमस्ते जी भाई साहब, अंकिल नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी भाई साहब। ओके बोलिए। ओके अरे बोलो भाई। भाई अरे तो फिर कौन बोल रहा है? सॉरी मैं कह रहा हूँ ये जो T20 लीग चल रहा है इसमें चीयर लीडर्स क्यों होती हैं, कभी सोचा आपने? अरे मेरे को क्या लेना देना, मैं बता रहा हूँ लेना देना नहीं है। क्या है कि उसका संगीत जो है ये बड़ा फेमस है। जब ये मैच के बीच में ऐसा बजता है तो लोगों को थिरकने का मन करता है भाई साहब। ठीक है। नाचने का मन करता है कि नहीं? हाँ करता है। झूमने का मन करता है, शानदार हो जाने का मन करता है। शानदार क्या, शानदार होने का मन करता है। आगे 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 भाई। सॉरी, तो अब अंपायर तो नाच नहीं सकता इस म्यूजिक पे ग्राउंड में, प्लेयर तो खेल रहे होते हैं, ऑडियंस इतनी होती है कि किसी को नाचते हुए दिखाओ तो किस किस को दिखाओगे? इसलिए गहन अध्ययन के बाद ये डिसाइड किया गया कि एयर होस्टेस को बुलाया जाएगा। एयर होस्टेस को? हाँ, एयर होस्टेस जब आप बोलो तो क्या बोलती है? आगे दो दरवाजे, दाएं दो, पीछे दो, बाएं, तो उनका हाथ ऐसे जाते हैं ना, पीटी करते हैं जैसे, तो ऐसे इनका भी पॉम पॉम रहता है, ये भी आगे दाएं पीछे बाएं। अरे केतर को मैं ही मिला गया के लिए। टे 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 टे। फोन रख आप। हेलो 93.5 FM बउआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो 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 हेलो। तो यही जवाब दोगे क्या? कौन क्या कैसे ये भी पूछ सकते हो? हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो। हाँ नमस्ते भाई, हेलो बोल। आगे हो गया हेलो यार। सॉरी मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन रहता है, कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत भाई। एक मिनट मैं बताता हूँ, लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ, तो और क्या? एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है क्योंकि अगर बुमराह जैसा बैट्समैन हो और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा, तो प्रेशर में बैट्समैन भी रहता, कोई ये कहता है। पर ये भी गलत है, कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। फिर कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हार गई तो उसका प्रेशर रहता है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत कि एक सेकेंड मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। हाँ। बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। बॉलर भी बहाना करके कि मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। बहाना नहीं करता, वो काम करता है। मैं कह रहा हूँ इन सब को अगर प्रेशर आएगा, एक नंबर या दो नंबर, ये सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है। शख्स है? शख्स मैं शख्स। अच्छा ठीक है, ठीक है। कितना गलत आदमी है वो, उसको जब प्रेशर आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो मुझे रिलीज करना, कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ? अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना भाई, ऐसा है वही उंगली ना घुमा के ना। भाई भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते। मैं
गलत आदमी 93.5 हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी सर आ रही है। मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी, एक एक्सक्लूसिव चर्चा में हम दोनों आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। आप जैसा जनता का है, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि, समाज को आईना दिखाने के कर्तव्य निभाता है, इस दुनिया में आए कुछ तो करते चलो। हाय जी भाई साहब, मस्जिद है दूर, किसी रोते हुए को भाई साहब हंसाया जाए नहीं, उसे रुमाल दिया जाए, उसकी नाक भी बह रही, सिर्फ हंसा। आप कौन बोल रहे हो? एक सेकंड बता रहे हैं भाई साहब, क्या किया आपने? नाक साफ किया? कैसे किया बैरागी जी? बढ़िया हो जाता है। गंदगी फोन रख के फैला लो, गंदगी फोन रख के फैला लो। एक सेकंड में बता, थोड़ा मेरे हाथ में पकड़ेगी तो निकाल के। ऑर्गेनिक इंडिया का है, ताजा है भाई। की चर्चा शुरू करें, बताओ बताओ। मैं ये कह रहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान आए, फिर मैं क्या करूं भाई? वही अभी क्यों आए? आप तो वैसे भी कुछ कर नहीं पाओगे, अभी क्यों वक्त चूज किया उन्होंने आने का? बैरागी जी, इससे पहले क्यों नहीं आए, इससे बाद में क्यों नहीं आए? पहले कई बार देखिए आने का प्लान बना चुके थे, हैं। ये उन्हें लगा कि बिग बॉस चल रहा है, हैं। बिग बॉस में सारा फोकस टीवी पे जनता का। सही बात है, उनको फुटेज मिलता नहीं, मिलता नहीं। जैसे ही बिग बॉस की कन्या जीती, हैं, उसके बाद उन्होंने तुरंत एंट्री मार ली और पूरा फोकस अपने ऊपर। भाई साहब कौन जीती थी बिग बॉस में? मुझसे क्या पूछे? एक सेकंड, इनका नाम बैरागी जी? बॉडम सहगल हमारे साथ। बॉडम सहगल भाई साहब? भाई मेरा सब तो खत्म, मुझे ये तो क्या बातें कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। गलत आदमी बैरागी जी, चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी टाकोली घाटी के डूबा पेस्ट नगर की गली में, हाँ। 10 रुपए के रायते में बूंदी ढूंढने वाली खुरमी चिरमची कहती है, गाइजर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी, बजाते रहो। 93.5 10 का रायता तो डिस्पोजेबल ग्लास में, हाँ ढीला। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी, कौन बोल रहा है? बाथरूम में क्या? हाँ बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोलूँ, नमस्ते। 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा, मेरे पड़ोस में एक शर्मा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। तो शर्मा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं क्या है ना, मैं होमवर्क करना था। अच्छा, तो था? टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे। ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा निबंध बोला। तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो, तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो और मुझसे भी। देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे, सब जगह लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है, तो तूने सुषमा पर लिख दिया। हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में, मेरी बिटिया तो गाय है। अरे अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आ जा मेरे। आजा मिलके करेंगे सारा। नहीं, नहीं नहीं नहीं, दो लोग कैसे बैठेंगे? बैठेंगे, गंदा बोल रहे आप, ऐसे छोटी। हेलो, मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे यार तूने फिर फोन कर। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, क्या करना इससे? हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब है, उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहा, मतलब गंदा बोल भी रहा, कर भी रहा है। मेरे को शौक नहीं है तेरे को, जिससे करना तू जितना अंदर ही बैठा रहे तू। बस क्या हेलो, वेरी नाइस क्वालिटी ट्यून आपका। हेलो, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते, लेकिन ना इसकी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला स्टार और नौ दबा के कॉपी करें। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, 2 मिनट चाहिए था, सॉरी। मेरे से 2 मिनट थे? 2 मिनट भाई, आवाज आपकी कट रही है, लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ पूरी आ रही है भाई साहब, बताओ। मैं कह रहा था आवाज तो आ रही है।
लेकिन दो दिन पहले ना मेरे को एक नंबर आ रही थी, एक नंबर आ रही थी। हाँ, फिर मैं गया सड़क पे, देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ करने की जगह एक दीवार मिली। अच्छा। जिस पे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर जाए। हाँ। मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया। फिर तू एक बात बता। हाँ। तूने वहाँ ऐसी जगह किया है क्यों जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत्र है? क्योंकि करूँगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? तू तो बड़ा आदमी है। सुनिए लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, दो दिन तूने चलाई कंधे के शोर का था। छोड़ ना यार, तू मेरी बात सुन। दो दिन से मेरे मम्मी पापा अलग सो रहे थे। नहीं, वो अबे आदमी वो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए? छोड़ ना यार, जब से वो गए ना मेरे, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? एक नंबर। अच्छा, मम्मी पापा पहले शुशु करके कराते। एग्जैक्टली बात यही है, वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। दो दिन हो गए मेरे पापा मम्मी है नहीं।